पतंग सी लड़ गई, कुड़ी पतंग सी लड़ गई। लबड़ी अपनी पतंग संभाल के रख, नहीं कोई पेचे लड़ा जाएगा तेरे। फिर कहती फिरेगी पंछी बनी उड़ती फिरू मस्त गगन में। और इन बेटी चौदों को देख के ना मुझे ना दिल का लावड़ा दौरा दौरा रे दौरा दौरा पड़ रहा दौरा। बेटी के बाप तुम भी हमेशा गलती समझा करो, इंस्टाग्राम देख देख के पागल हो रहे हो, सुधर जाओ। ऊपर वाले ने दो ही चीज बनाई, या तो आर या पार, या तो हाँ या ना। मेरे को तुम पसंद हो, तुम्हारे साथ रहना खत्म बात। लेकिन ये जो बीच की बकलंडी चलती है ना, पसंद तो हो, लाइक भी है, लव भी है, पर रह नहीं सकती, ये वाला रीजन है मेरे। सीधा सीधा काटा जा रहा है तुम्हारा, समझ जाओ साले। वक्त रहते कदम पीछे कर लो, वरना फिर यही सुनते फिरोगे शुक्रिया शुक्रिया दर्द को तुमने दिया, दिल में मरा दर्द डिस्को बहन कटको। सालो गुड मॉर्निंग पूरा लिख दिया करो, जीएम के और भी कई मतलब होते हैं रहने के टको। हाँ जो तुम्हारे दिमाग मारा वही वही। कहते अखंड चूतिया पा भैंचो, गाना चल रहा है रील्स पे आंखें तेरी, और दिखा रहे जे छूतड़। अरे तो तारी ऐसी तैसी कर लो, जीरो जीरो बन थारी बहन को नमन, गाने का तो लियाज कर लो वे। और एक बात बताओ, थारी भेड़ो का कुत्ता काटू जब तुम पीछे ते देखे तो हगे कहाँ से। दोस्तों के लिए जो खुद ही तो प्लान बनाएंगे और खुद ही एंड टाइम पे खड़े मना कर देते कि भैया मैं ना जा रहा, तो तुझे छक्का तो मैं बोल नहीं सकता, तू चिड़ी का नौला है क्या। तुझे छक्का तो मैं बोल नहीं सकता, तू चिड़ी का नौला है। करो बेटी के बाप तू खुद ही तो प्लान बनाता है और फिर खुद ही कैंसिल कर देता है। तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो खुद ही तो प्लान बनाएंगे और खुद ही एंड टाइम पे खड़े मना कर देते कि भैया मैं ना जा रहा, तो तुझे छक्का तो मैं बोल नहीं सकता, तू चिड़ी का नौला है क्या। तुझे छक्का तो मैं बोल नहीं सकता, तू चिड़ी का नौला है। करो बेटी के बाप तू खुद ही तो प्लान बनाता है और फिर खुद ही कैंसिल कर देता है। तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या। बात को समझो कि नजारे पे तो तुम फोकस कर रखो कतई, फिर कह रही है दूर से देखो मेरा ये नजारा। ये जो 924 के तेरे फॉलोवर्स है ना, बहन की बगौड़ी जे तेरे नजारे ये देख वे हमें। मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें एक चम्मा दे दूं बहन कटक। अगर तू मुझे मिल जाए ना, रुक जा एक मिनट, तेरी ऐसी तैसी। अरे मेरा लठ कहां है, छोरो मेरा लठ, कितनी बार बोल चुका मैं। अरे यार परेशान कर लियो, अरे बहन के लफड़े। अच्छा तेरी माँ का भोलापन, तेरी बहन की चिड़िया ऐसी दूं मैं सुपारी निकाल के, बर्दाश्त न होगी तेरे से। फिर कहोगा चोरी है के ऐसे कैसे बोला बहन गटके। अगले बाबू ने थाना थाया, हर जगह यही सुनाई दे रहा है, मिल बाबू पे तिलू और मिल बाबू पे खत्म हो रही है ये दुनिया। और इतिहास गवाह है कि जो आज कामयाबी के मुकाम पे पहुंचा है उसने कभी बाबू के कहने पे थाना नहीं थाया है। तो अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो सभी मिलके प्रेम से बोलेंगे कि ऊंची बिल्डिंग के पीछे हमारा एक छोटा सा झोपड़ा, कि ऊंची बिल्डिंग के पीछे हमारा एक छोटा सा झोपड़ा, और मेल बाबू ने थाना थाया वालो तुम्हारी। बेटी का बाप था रे जो कह रहा था सोफिया में टैलेंट ना, साला छूतिया बनती मत किया करो बिल्कुल, इस छोरी के बराबर टैलेंट ना होएगा पूरी दुनिया में। जो इंसानी को रूमाल के सहारे सब कुछ संभाले हुए है, कम टैलेंट है उसमें, मेंटेनेंस देखो। भाई भाई बाल्टी लेके आ तुम भी। अरे नया बाल्टी भाग जागी फिर खुंडी भैंस है कताई। ये घर लेके बड़ी वाली जा, जल्दी लेके जल्दी जल्दी, आज तो खीर बनाएंगे, वही दूध होगा एंचो नोता भैया इंस्टाग्राम वाले हमारे घर आओ, आज तो खीर बनेगी। झूल को नूतो चे जिम बचालो।
दिल छू रहा है। देखो हमने बचपन से सुना है कि दिल हो भैया एक जो हमारे लेफ्ट साइड में हो, लेकिन इंस्टाग्राम की लवड़ियों ने हमें बताया कि दिल होते हैं दो। चलो हमने मान लिए कि भैया होते होंगे, लेकिन अब ये दिल नीचे लटकते कैसे जा रहे हैं, कंफ्यूज है हम। बताओ हमको, तुम्हारे इन दिल को देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है कि अपनी अकड़ को कृपया अपनी जेब में रखें, बता देंगे तन्ने तेरे दोस्त तेरे मित्र, और दो गाड़ी नंबर मतलब बदमाशी का सितर नहीं बकलोली का सितर। इंस्टाग्राम को सार्वजनिक कोठा घोषित कर देना चाहिए अब, बस कर दो भैया अब तो। यू आर राइट। मेरी बकरी ने अंडे देने। अबे बकरी कब से अंडे देने लग गई? ये मेरा स्टाइल है, मैंने मुर्गी का नाम बकरी रख रखा है। नहीं दे सकती है ये बकरी अंडे, दे सकती है, देसी भी दे सकती है, विदेशी भी दे सकती है, फार्म वाले भी दे सकती है, और यहाँ तक कि दूध दही छाछ पनीर भी दे सकती है, क्योंकि इसके पास दो टांगे हैं, टांगे जा के घर दे सकती है। साले गलत मत सोचा करो। चल झूठा। कौन सा बेटी का बाप फारे जो इसके दर पे चला गया, और बेटी के बाप दर पे चला भी गया तो वापस नहीं आना था तेरे को, वहां पे जाके बैठ के चौखट पे यही बोलना था, मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ। ये बढ़िया था गुरु।